हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो दोस्त, हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, ये क्लासेस आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होगी और जितने भी आपके यूपी पुलिस में एग्जाम बनेंगे हिस्ट्री से, अगर आपने हमारी कंप्लीट क्लासेस कर ली तो आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्त, हमने आपके लिए यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू कर रखी हैं। तो दोस्त, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, ये जो आपकी वीडियो है उसके बारे में है। बाकी जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी कल से शुरू होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे किन किन टॉपिक को हिस्ट्री में कवर करेंगे, और आपको जो है मैथ और रीजनिंग बबलू सर पढ़ाते हैं। मैं आपको बबलू सर से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है। तो बबलू सर आइए और बच्चों को अपना फेस दिखा दीजिए एक बार। दोस्त, ये हमारे बबलू सर हैं, मैंने आपको बताया है ये आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। तो अब हम आते हैं अपना इतिहास वाले टॉपिक पर। दोस्त देखिए, जो हमारा इतिहास है आप सभी को पता है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। एक आपका प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा पहला टॉपिक है इतिहास का, वो क्या कवर होगा, वो होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा पहला जो टॉपिक है वो होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इससे बनने वाले जितने भी हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हम इसमें कवर कर चुके होंगे। और दोस्त, आपका उसके बाद आएगा वैदिक सभ्यता। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे वेद और वेदांगों के बारे में, जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद है। उनको बिल्कुल बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, एकदम से आपका क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। और उसके बाद हमारा आएगा 16 महाजनपदों के बारे में, और उसके आगे दोस्त जो है हमारा आएगा क्या, बौद्ध धर्म आएगा। क्या आएगा? बौद्ध धर्म उसके आगे हमारा आने वाला है। और दोस्त, आगे आपका आएगा जैन धर्म। ठीक है, और जैन धर्म के बाद हम क्या कवर करेंगे दोस्त, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से वंश थे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे देखिए, आगे होगा हमारा सातवाहन वंश। क्या होगा? सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। और आगे क्या होगा? भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे हुए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा क्या, गुप्त वंश। गुप्त वंश को पढ़ेंगे, और उसके आगे हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। और इसी प्रकार से आगे होगा हमारा भारत पर अरबी आक्रमण। भारत पर अरबों ने कैसे आक्रमण किया, क्या क्या परिस्थितियां रही होंगी, उनको सभी को डिस्कस करेंगे दोस्त। चलिए आगे जो हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, देखिए ये है हमारा महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी के बारे में जितने भी फैक्ट है वो पढ़ेंगे, और मोहम्मद गोरी के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे दोस्त। आगे चल जाता है हमारा यहाँ से, क्या चलेगा, दिल्ली सल्तनत। क्या चलेगा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज किया, क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब करेंगे। ठीक है, ये आपका होगा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर आया था गुलाम वंश, उसके बाद क्या था, खिलजी वंश। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे आएगा हमारा तुगलक वंश। क्या आएगा? तुगलक वंश आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा आएगा लोधी वंश। लोधी वंश के बाद हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल। क्या पढ़ने वाले हैं? मुगल काल। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है किसी भी एग्जाम में। देखिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम सूर साम्राज्य को। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में। उसके बाद जो हमारे मराठे हैं, मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। और दोस्त आगे पढ़ेंगे भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन, कैसे भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ, क्या क्या स्थितियां रही होगी, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे वो क्या है, हमारा 1857 की क्रांति। यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस नंबर पर हम इसको कवर कर रहे होंगे दोस्त। और आगे हम पढ़ रहे होंगे बंगाल व भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ भी हम इसको कवर कर रहे होंगे। और आगे हमारा क्या आता है, धार्मिक सुधार आंदोलन, इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारे देश में धार्मिक सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ और किन किन ने उनको चलाया, कौन कौन उनके मुख्य चेहरे रहे, उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और दोस्त आगे कांग्रेस के अधिवेशन जितने भी हुए वो हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, अगला पॉइंट ये आता है बंगाल विभाजन। क्या पढ़ेंगे?
बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद गांधी युग से पहले की बातें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम जो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी और कौन कौन है, चंद्रशेखर आजाद जी, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्त। उसके बाद पढ़ेंगे हम गांधी युग को, किसको पढ़ेंगे, गांधी जी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे जो हमारा पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे वो कौन सा है, वो है दोस्त आपका क्रिप्स मिशन और आपका कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन कब भारत आया और कैबिनेट मिशन के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्त अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश और आपका राष्ट्रकूट वंशों के बारे में हम इसको पढ़ने वाले हैं दोस्त। चलिए आगे जो हमारा पॉइंट है वो क्या कवर कर रहे होंगे, देखिए आगे हम पढ़ेंगे आपका चालुक्य वंश, क्या पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे आपका चालुक्य वंश, ठीक है। और आगे हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, चालुक्य वंश और इसके बाद चेर और आपका चोल और पांड्य वंश, जो कि हमारे दक्षिण के वंश हैं, इनको भी हम कवर कर रहे होंगे। और आगे हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, सिख धर्म पढ़ेंगे। सिख धर्म के बाद हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, वो आएगा विजयनगर साम्राज्य, कैसे कैसे इसका किस इसकी स्थापना हुई उसके बारे में हम सब कुछ कवर कर रहे होंगे दोस्त। और दोस्त उसके बारे में आगे क्या पढ़ेंगे हम, देखिए ये है कश्मीर के वंश, कश्मीर में जितने भी वंशों ने शासन किया उनसे बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट या उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम यहाँ कवर कर रहे होंगे। और दोस्त जो हमारा इतिहास का अंत होगा वो होगा सिक्कों का इतिहास, सिक्कों का इतिहास के बारे में जितने भी फैक्ट बनेंगे हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे दोस्त। ये जो हमारा था ये हमारा इतिहास का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस था जिसको हम एक एक करके आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्त कल से वीडियो में जुड़ना न भूलें, और दोस्त अगर आप हमारी इस मेहनत से खुश हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्त मिलते हैं अब कल की वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना और इसी प्रकार से पढ़ते रहना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।